राजस्थान, हर जिम्मेदारी कुछ न कुछ सिखाती है, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर का। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 370 हटाने के फैसले का देश भर ने स्वागत किया है। माथुर ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की तो कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर साहब राजस्थान प्रवास पर है। कल कार्यक्रम आयोजित होगा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत व्याख्यानमाला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ वो मंच पर संबोधन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत तमाम समाजसेवियों को और लोगों को भैरव सिंह शेखावत के राजनीतिक जीवन के बारे में भी बताएंगे और आज की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है और राजनीति उस दौर से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हुए, ये तमाम चीज़ें होंगी। हम बातचीत करते हैं माथुर साहब से। सबसे खास बात ये कि अब उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। लगातार ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जिसको लेकर आपको जिम्मेदारी नहीं मिली हो, इस बार आपको झारखंड दे दिया। देखिए, मैंने सदैव अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में रखा है और मुझे संगठन के काम करने का आनंद भी आता है और पार्टी ने हमेशा मुझे कई जगह पे लगभग 2001 से 18 वर्ष हो रहे हैं अब तक 8 प्रांतों में घुमा चुके हैं, मेरे ख्याल से 9वां प्रांत होगा। तो जो भी दायित्व देते हैं, अब झारखंड का दिया, मैं तो आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का कि एक नए प्रांत की और पॉलिटिक्स समझने का मुझे मौका उन्होंने दिया है, क्योंकि मैं अभी बिहार झारखंड उस क्षेत्र में नहीं गया कभी भी। एक बार जब राजनाथ सिंह जी प्रभारी थे तो चुनाव पूरे होने के बाद में 10 दिन के ले गया था, लेकिन इस समय पूरी चुनाव की व्यू रचना मेरे जिम्मे की है। तो एक नया कुछ सीखने को, ट्राइबल बेल्ट है, नक्सलवाद से प्रभावित बेल्ट है, 5 साल से हमारा शासन है वहाँ, कई चीज़ें मुझे सोचने का मौका मिलेगा और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ सीख करके आऊँगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उसके अलावा देश भर के अन्य राज्य जहाँ पर कुछ कुछ दिन आप रहे, सबसे खास बात यह है कि इस बार आपको बिल्कुल ऐसा टास्क दिया है। आपको टास्क ऐसा दिया जाता है जो थोड़ा कठिन हो। उत्तर प्रदेश का टास्क तो ऐसा था कि लग नहीं रहा था कि सरकार बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत आया, सरकार बनी। नहीं नहीं, मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई 2001 में जब मुझे मध्य प्रदेश दिया गया। 10 साल से कांग्रेस का राज था, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और दिल्ली से उमा जी को आदरणीय अटल जी अडवाणी जी ने मुझे बुला करके कहा कि जाओ तुम वहाँ के इंचार्ज रहोगे और वहाँ चुनाव कराओ। तो 2001 से ही मुझे इस तरह की चीज़ दी और मुझे भी थोड़ा इन चीज़ों को, चैलेंज को स्वीकार करने का आनंद आता है। तो शायद यही सोच करके केंद्रीय नेतृत्व ने मेरा निर्णय लिया होगा कि अभी झारखंड और उधर पूर्वांचल का अनुभव नहीं है तो क्यों नहीं उस क्षेत्र को भी इनके द्वारा करवाया जाए। 370 और 35 है, इसको लेकर अचानक के कुछ आंकड़े आए हैं कि सदस्यता अभियान में भी तेजी से इजाफा हुआ है इस फैसले के बाद। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये दुर्भाग्य इस देश का, बहुत डिटेल्स इस पे मैं कर सकता हूँ चर्चा, लेकिन कुल मिलाकर के 370 अस्थाई थी। उस समय एक प्रश्न ऐसे खड़े हो गए थे, मजबूरन ये की गई और कांग्रेस ने भी अपने रिजिम में 3 बार इसको प्रयत्न किया हटाने का, हिम्मत नहीं कर पाई। धन्यवाद, और वर्षों से भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक, बीजेपी का कार्यकर्ता तो जनसंघ के स्थापना काल से ही, हमारे पहले संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इसी 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान के लिए बलिदान दिया अपना कश्मीर जा कर के, और हम कब से बचपन से नारे लगा रहे हैं जहाँ वो ये बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो जो कश्मीर हमारा है उसमें इस प्रकार की अड़चने क्यों हो? तो क्षितिज रूप से नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम किया है और आम जनता, इसीलिए सदस्यता अभियान नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपने नेताओं के विपरीत बोलना पड़ा है। और कांग्रेस की जो मीटिंग हुई अभी 4 दिन पहले दिल्ली में, उसमें आपस में उलझने भी है वो, और यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि नए लोग हमारा बात को समझ नहीं पा रहे। और कांग्रेस खुद को भी बहुत दुर्भाग्य है कि राज्यसभा में 2.5 घंटे तक धरना देने के बाद नेता प्रतिपक्ष धरने पे बैठे, फर्श पर बैठे, उसके बाद डिबेट शुरू की, डिबेट में जब अमेंडमेंट आया विरोध में मत दिया और बाद में जब लगा कि नहीं बात तो ऐसा हो रही है वो कहे, तो अब ये जो तरीका उन्होंने अपनाया तो उनकी हिम्मत नहीं थी। नेहरू जी ने प्रयत्न किया,
शास्त्री जी के समय भी प्रयत्न हुआ, नरसिम्हा राव जी के समय भी प्रयत्न हुआ हटाने का, क्यों नहीं 370 हटनी चाहिए। जब अस्थायी कोई एक्सीडेंटल एक कोज बन गया उस समय हमने लगा ही मान लो, और वो भी हमारी गलती से। पूरा अगर कश्मीर का विषय बिगाड़ा मात्र मात्र, तो बिगाड़ा का काम मात्र मात्र नेहरू जी ने किया। नेहरू जी की गलती की वजह से आज ये 300 धारा 35 और कश्मीर में आतंकवाद पनपा है। तो कोई तो सुधारने वाला व्यक्ति आया है और किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में स्नेह पैदा हुआ कि पहली बार देश में मर्द प्रधानमंत्री आया, मर्द गृह मंत्री आया जिसने निर्णय लिया और निर्णय में पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ। आप मानते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं जो ऐसे बयान देते हैं, जैसे वाइको ने दिया है अभी दक्षिण भारत में, कल ही बयान दिया है उन्होंने, कह दिया कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो कश्मीर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, देश का अलग भाग बन जाएगा। कुछ लोग मीडिया में छाने के लिए उत्पुटांग बात करते हैं। राम मंदिर पर क्या कहेंगे इस वक्त? राम मंदिर मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय को कि लगातार सुनवाई करने, बहुत जल्दी फैसला आएगा, फैसला आने के बाद निर्णय करेंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब राज्यपाल से मिले, ज्ञापन दिया और कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है लगातार चर्चाओं में, आप दिल्ली में भी लगातार सुनते होंगे इस तरीके। निश्चित रूप से मैं बोला भी हूँ, मैंने कहा भी है एक दो चैनल पर भी कि सरकार आने के बाद एकदम से क्या हो गया ऐसा। तो प्रतिदिन राजस्थान में ऐसी अप्रिय घटनाएं जो कभी राजस्थान के कल्चर में नहीं रही, राजस्थान के कभी सुबह में ऐसी चीज़ें नहीं रही। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब अखबार चाहे राजस्थान का उठा के दे तो मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर के विषयों को लेकर भरा रहता है। ओम प्रकाश माथुर साहब से खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने, कल रात को जयपुर आए थे और लगातार 16 अगस्त तक जयपुर रुकने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। आज भी कई विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने और आम लोगों ने माथुर साहब से मुलाकात की है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान की राजनीति की मजबूत पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश माथुर साहब बखूबी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है और अंदरूनी मंथन का दौर भी इनका चलता है। भले ही ये मीडिया में कुछ ना कहें, लेकिन अब एक और अटकल लगाई जा चुकी है कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं चली और उसके बाद ही माथुर साहब का यहां पर दौरा हुआ, उसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएँ रही। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।